फ्रेंड्स आपका स्टडी आईक्यू एकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए मैं फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी को पूरा क्वेश्चन की आंसर की बताने वाला हूं। दोस्तों मेरी विश्वास करो, मैं कसम से बता रहा हूं आज बिल्कुल आपके लिए राइट आंसर की लेकर के आया हूं। तो आप इस वीडियो को क्या करो, बिना पॉज किए हुए अंत तक जरूर देखना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज के पूछे ही बिल्कुल क्वेश्चन लेके आऊँ, हिंदी जीके जीएस मैथ इन सभी के पूछे गए थे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन था दोस्तों, तेजी वो बुद्धिया रोबोट किस राज्य में बनाए जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन था, तेजी वो बुद्धिया रोबोट किस राज्य में बनाए जाते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में बनाए जाते हैं दोस्तों। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ये आपको विश्वास किया करो मेरा। दूध योजना किस राज्य में, तो दूध योजना किस राज्य से संबंधित थी, वो थी दोस्तों राजस्थान। इलेक्ट्रिक वाहक बनाने में कौन आता है, तो इलेक्ट्रिक वाहक किससे बनते, मतलब कोई भी सर्किट होता है, ऐसा क्वेश्चन था दोस्तों। तो उसमें क्या इलेक्ट्रॉन से प्रवाह होता है, तो इलेक्ट्रॉन उसका राइट आंसर हो जाएगा। जैव खाद बनाने में तो क्या क्या काम आते हैं, जैव खाद बनाने में काम आते गाय का गोबर और मूत्र, जो घास वगैरह ये होती है, तो बहुत सारे ऐसे काम। तो आपके ऑप्शन कौन सा था वो मेरे को पता नहीं, पर मैंने दोनों ही लिख दिए दोस्तों आपके लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन था, राजस्थान में कौन से जिले NCR में आते हैं। तो NCR में कौन कौन सा जिला आता है, उसमें ऑप्शन था दोस्तों अलवर और भरतपुर। तो दोनों हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। डी ऑप्शन था दोस्तों उसमें A+B, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान कितने खंडों में बटा हुआ है दोस्तों, तो राजस्थान 5 खंडों में बटा हुआ है दोस्तों। ये आप मेरा विश्वास करो, बिल्कुल राइट आंसर है इसका, राजस्थान 5 खंडों में बटा हुआ है। WHO की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, WHO की फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की फुल फॉर्म होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन था, स्वतंत्रता दिवस मानव श्रृंखला की लंबाई कितने है, लंबाई। तो ये दोस्तों ऐसा किस क्वेश्चन था मेरे को पता नहीं, पर पूरा ऐसा मेरे को आइडिया आया, किसी ने बताया दोस्तों भाई ने, 650 से 700 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या था, मानव शरीर की सबसे लंबी रक्त निषेचन, ऐसे कुछ क्वेश्चन था दोस्तों। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा महाधमनी। क्या आंसर हो जाएगा, महाधमनी। लुकमेनिया रोग किससे संबंधित था, तो दोस्तों WBC की संख्या क्या इसमें बढ़ जाती है, तो ऐसा क्वेश्चन था दोस्तों। तो आपके इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन बम की खोज किसने बनाया था दोस्तों। तो हाइड्रोजन बम किसने बनाया था, यह था एडवर्ड टेलर। कौन था दोस्तों, एडवर्ड टेलर, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, आपके लिए बिल्कुल राइट आंसर की लेके आया हूं मैं। चलते हैं, कर्क रेखा कहां से निकलती है, कर्क रेखा कहां से निकलती है, तो निकलती है बांसवाड़ा। कहां से निकलती है दोस्तों, बांसवाड़ा से। उल्लू सीधा करना इसका क्या, ये मुहावरा था दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, अपना स्वार्थ सिद्ध करना, मतलब अपना स्वार्थ निकालना, ऐसा हो जाएगा इसका। उल्लू बनाना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मूर्ख बनाना दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मूर्ख बनाना। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, मैथ के प्रश्न आए थे दोस्तों काम मजदूरी और समय से, काम मजदूरी समय से, क्योंकि क्वेश्चन तो नहीं मिल पाए क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं। तो दोस्तों ने मेरे लिए केवल इतना बताया कि काम मजदूरी और समय से क्वेश्चन आए थे सर। तो मैं आपके लिए दोस्तों बना के लेके आ गया सर, सरलीकरण के 4-5 क्वेश्चन आए थे, 4-5 क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल थे, बोर्ड मार्क्स के रूल से सॉल्व हो जाते हैं, आपके ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनमें, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। आप क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दो तो इनके मैथ के, तो मैं आपके लिए वीडियो बना करके दे सकता हूँ। तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर में दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन क्या है, तो अगले क्वेश्चन के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। 4% पर्यायवाची के पूछे गए थे, तो 4 पर्यायवाची कौन कौन से थे मैं आपको बता देता हूँ। बिल्कुल राइट आंसर है, मृत्यु का क्या होता है, मरण, ये ऑप्शन था दोस्तों। शरीर का क्या होता है, तन होता है। और मुहावरे पूछे गए थे, तो मुहावरे बता देता हूँ, सिर नीचा होना मतलब क्या होता है, अपमानित होना, मन को हरने वाला क्या होता है दोस्तों, मनोहर। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन क्या थे दोस्तों, बहुत सारे ये गद्यांश आया होता आपका दोस्तों, उपदेश पर आधारित है कि गद्यांश आया होता है। गद्यांश के क्वेश्चन क्या क्या थे, क्वेश्चन तो मिल गए दोस्तों, पर इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया, इसलिए मैं ऑप्शन नहीं लेके आया, केवल गद्यांश का ऑप्शन ये बता देता हूँ। उपदेश कैसे होने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आया हुआ था, रावण के उपदेश क्यों नहीं चले, उपदेश कैसे होते हैं, कौन से उपदेश मानने वाले होते हैं। तो ये उपदेश आपको गद्यांश से छांटना था और इसी चारों क्वेश्चनों का राइट आंसर देना था, तो ऑप्शन नहीं मिल पाए, इसलिए मैं आपके लिए ओनली यही क्वेश्चन ही लेकर के आ गया हूँ। तो आप ये किसी को जो मतलब किसी को एग्जाम होगा कल, तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या है, दक्षिण पश्चिम राज्य राजस्थान के पास कौन सा है, दक्षिण पश्चिम राज्य जो राजस्थान के जो पड़ता है उसको कौन सा है, गुजरात हो जाएगा राइट आंसर आपका दोस्तों। सबसे ऊंची चोटी शिखर कौन सी है दोस्तों राजस्थान के अंदर, तो वो है गुरु शिखर, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुरु शिखर। चंबल के बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है, तो बाएं तरफ से कौन कौन सी नदी मिलती है, उसमें ऑप्शन था दोस्तों पार्वती और भी थी बहुत सारी, तो उसमें राइट आंसर ओनली आपका क्या हो जाएगा, पार्वती राइट आंसर हो जाएगा। नदी पानी के साथ
क्या बहाकर लाती है, तो क्या बहाकर लाती है, मिट्टी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिट्टी। दोस्तों मैं आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो लेकर बना के लेके आ रहा हूँ, तो क्या करो सब्सक्राइब कर दो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि अभी मैं यूपी जा रहा हूँ, फिर भी आपका वीडियो मैं लास्ट रास्ते में भी बनाता जा रहा हूँ। ठीक है, आपको बहुत सोच के बहुत अफसोस होगा दोस्तों कि सर वीडियो रास्ते में भी बना रहे हैं। अभी सावन भादो परियोजना किस नदी पर है, तो ये सावन भादो परियोजना किस नदी पर है, यह सावन भादो परियोजना स्थान कोटा में है दोस्तों, नदी आरो नदी पर। कहाँ पर है ये, चंबल नदी पर है दोस्तों, कहाँ पर है, चंबल नदी पे हो जाएगा इसका। ये देखो ट्रेन का आवाज़ भी आ रही होगी आपको, मैं ट्रेन में ही बना रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल आपको आपके लिए ओनली। और लोकी गांव ये सर किस जिले में, इसका मेरे को राइट आंसर नहीं मिल पाया दोस्तों, आपके पास हो तो इसका कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। अंतर्देशीय नदी कौन सी है, तो उसमें ऑप्शन था कौन सी नहीं है दोस्तों, तो कौन सी नहीं थी, उसमें गग्गर वगैरह था, तो वो सब थी केवल कश्ती, जो नदी थी कश्ती ऐसे कुछ नाम से, तो वो नदी अंतर्देशीय नदी नहीं थी दोस्तों, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्या था, राजस्थान में सबसे ज्यादा पशुधन किस जिले में पाए जाते हैं, किस जिले में पाए जाते हैं दोस्तों, वो पाए जाते हैं दोस्तों पशुधन बाड़मेर में, राजस्थान में सबसे पशु बड़ा बकरियों में है दोस्तों, सबसे ज्यादा पशुधन कौन सा है, बकरियां है दोस्तों राजस्थान के अंदर, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ प्रिया जी पूछे गए थे स्मरण स्मृति का क्या क्या होता है, स्मृति स्मरण ये पूछे गए थे दोस्तों, उर्वरक का पर्यायवाची क्या होता है, याद का क्या हो जाएगा, स्मृति स्मरण, और उर्वरक का प्रयोग क्या होते थे, इससे के शिफ्ट में पूछे गए थे दोस्तों, पूर्ण अनुर्वरक और बंजर उपेक्षा, ये इसका क्या हो जाएगा, प्रयोगवाची हो जाएगा। मैं पूरे ऑप्शन लेके आ गया हूँ आपके लिए, मतलब जो भी आंसर हो उसमें ऑप्शन में था तो आपको लगा देना था। चलते हैं अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन था बजाज सागर बांध किस नदी पर बना हुआ, तो बजाज सागर किस नदी पर बना हुआ है, तो माही नदी पर बना हुआ है दोस्तों। कौन से गाँव में, बोरखेड़ा गाँव के निकट बांसवाड़ा 16 किलोमीटर दूरी पर मुख्य बांध पर रह गया है दोस्तों, तो आपके लिए भी क्या पूरी डिटेल के साथ देखेंगे, आगे आपके जितने भी एग्जाम होंगे उन सभी के लिए क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन, आपके कोई इसमें डरने की बात नहीं रहेगी। रणथंभौर कहाँ पर है, तो रणथंभौर कहाँ है, यह सवाई माधोपुर जिले में। आसानी वाली गैस कौन सी, लाफिंग गैस कौन सी होती है, तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O। राजस्थान को कितने खंडों में बांटा गया दोस्तों, यहाँ 5 खंड हो जाएंगे, कितने खंडों में बांटा गया, 5 खंडों में, सॉरी दोस्तों 4 लिख दिया था मैंने, 5 खंडों में बांटा गया। चलते हुए अगले क्वेश्चन, मांड से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों, मांड कहाँ पर है, जैसलमेर में, मैं आपको बता देता हूँ। गढ़सिसर झील कहाँ का निर्माण किसने करवाया था, गढ़सिसर का निर्माण किसने करवाया था, एक बार क्वेश्चन में आया बता, राव गढ़सी ने, किसने करवाया था दोस्तों, राव गढ़सी ने, आपको ऐसे याद हो रहा होगा क्योंकि यहाँ सिसर आ रहा है, यहाँ सी आ रहा है पीछे, तो क्या होगा गढ़सिसर। लाठी गाँव किस जिले में, लाठी गाँव किस जिले में, ये मेरे को अच्छा से क्वेश्चन नहीं मिल पाया दोस्तों, इसका राइट आंसर आपके पास है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मेरे हिसाब से जैसलमेर राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन कठोर का क्या हो जाएगा, मुलायम मधुर कोमल, ऐच्छिक का क्या हो जाएगा, अनैच्छिक, तो ये क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों, फर्स्ट सेकंड थर्ड दोनों में आए थे, मैं पूरे क्वेश्चन लेकर के आ गया हूँ आपके लिए। अगला क्वेश्चन था अजमेर के 4 राज्य के नाम दे रखे थे, उनमें से कोई एक आपको नाम बताना था कि यह कौन सा जिला, कौन सी जसरा है, ये अजमेर में है, तो उनमें से क्या हो जाएगा दोस्तों, किशनगढ़, किशनगढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर है। चलते अगले क्वेश्चन क्या था, राजसमंद की बनास नदी किस पहाड़ी से निकलती है, तो राजसमंद पहाड़ी पहाड़ी कहाँ से निकलती है, राजसमंद में बनास नदी कहाँ से निकलती है, कौन सी पहाड़ी से निकलती है, निकलती है दोस्तों खमनौर की पहाड़ियाँ, कुंभलगढ़ राजसमंद से कहाँ पर, अगला क्वेश्चन था राजसमंद बनास नदी किस पहाड़ी से निकलता है, कमजोर से रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन था बीकानेर शहर कौन सी नहर जलापूर्ति करती है, कौन सी करती है, वो करती है इंदिरा गांधी नहर, विभिन्न उत्तरी गाँव में पेयजल की व्यवस्था को पूरा पानी चल रहा है इसी नहर से दोस्तों, यहाँ पर बीकानेर। अगला क्वेश्चन है संगानेर प्रिंट कहाँ पर स्थित है, संगानेर प्रिंट ये जयपुर में स्थित है, किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ये बेल बूटों की छपाई के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, संगानेर प्रिंट थी आपको याद कर लेना है। तो दोस्तों ये इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी थे वो आप सभी के मैं लेकर लेकर आ गया हूँ, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आया हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वहीं भी कमेंट बॉक्स में आपको इसका राइट आंसर दे दूंगा। और जो थर्ड शिफ्ट बची और सेकंड शिफ्ट के आधे क्वेश्चन बचे वो क्या करूँगा, मैं कल की वाली वीडियो में अपलोड कर दूंगा, जो भी बाइक सेकंड शिफ्ट में वो कल इस वीडियो को जरूर देख लेगा दोस्तों। और वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे सर आप क्वेश्चन लेकर के लिए आए सुबह, मैंने सुबह क्या क्वेश्चन इसलिए नहीं दे पाया क्योंकि घर पे नहीं था, तो इसलिए आपके लिए क्वेश्चन नहीं प्रोवाइड कर पाया कि व्हाट्सअप नंबर दिए थे कि सर दोस्तों इसमें आप कमेंट करके बता देना कि क्वेश्चन कौन कौन से आए थे, मैं आपके लिए जितने भी दोस्तों ने कमेंट किया इससे ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे तो मैं आपके लिए पूरा क्वेश्चन लेकर के आ गया हूँ। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइए, क्योंकि हम तुम्हारे से आशा रहती है, क्योंकि आपसे जुड़ने पर ही हमारा कुछ भविष्य हो सकता है, तो आपका या मेरा साथ होने में जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फ्रॉम माय साइड बेस्ट ऑफ लक।